ब्रेक खत्म हो गया, मैं भी आ गया हूं। अजी आपका फेवरेट शेफ हरपाल सिंह सोखी लेके आया है एकदम हाई फाइबर कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली रेसिपी, लेकिन करेंगे फ्राई तो कहां से घटी कोलेस्ट्रॉल। अजी बनाएंगे ऐसी चीज जो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उससे कोलेस्ट्रॉल घटता है, और आप चाहें तो ग्रिलर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे फ्राइड, क्योंकि आप खाएंगे दो और उसके बाद आप क्या बात है, मैं बना रहा हूं ओट्स का पकोड़ा, वाह मजेदार चीज है, मेरे पास है बढ़िया, ये देखिए सफोला के मसाला वेजी ट्विस्ट ओट, इसके साथ बनाएंगे पकोड़े। अब हेलो जी, ये ले लिया पैकेट और वेजी ट्विस्ट के ये जो ट्विस्टम हो गया है ये एक पैकेट ले लिया, इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ पेपी टोमेटो ले लूँ एक। अब पेपी टोमेटो जो है ये पैकेट खोल लिया। हेलो जी, ये दोनों का मिश्रण बड़ा मज़ेदार लग रहा है मुझे। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ओट्स में पानी डाल लूँगा, ये लीजिए पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये ओट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी देर रखें 2-3 मिनट तक ताकि सॉफ्ट हो जाएं, और तब तक एक काम हमने यहाँ बढ़िया कर लिया, कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया, और मैं सिर्फ ओट्स जो कि एक बढ़िया चीज़ है जिससे फाइबर काफ़ी मिलता है, आप ओट्स सीधे खाएंगे तो बढ़िया फाइबर मिलता है, ऐसे खाएंगे तो एक पैकेट की जगह 2 पैकेट यूज़ करेंगे घर पर, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब स्वाद होता है। और ये डल गया पालक, हेलो जी, क्या बात है, मुड़ की करिए जी, जिंजर पा देने हैं जी अदकर, और अदकर के बाद हरी मिर्च डाल ली मैंने 2 कटी हुई, और इसमें लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे आमचूर पाउडर ये ले लिया थोड़ा सा, हल्दी, हेलो जी, अब बेसन ये डाल लेते हैं थोड़ा सा, हेलो जी, प्याज ये भी डाल लेते हैं ढेर सारा, और खाने का सोडा, हेलो जी, एनु भी पा देने जी, अब पानी लेके ये भी पा देते हैं, पानी लेने के बाद थोड़ा सा मिश्रण को बढ़िया मिक्सर्ड कर लेते हैं, मतलब मिक्स कर लेते हैं, ये मिक्स कर लिया आपने अच्छी तरीके से, अब बाइंडिंग आ गई है बढ़िया, अब इसे थोड़ी देर और रखेंगे तो ओट्स और फूलेंगे, लेकिन मैं पिटारा ले लेता हूँ अपना, और पिटारे में से निकालेंगे एनर्जी और हम और आप मिलके करेंगे ओ जी नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक, मजा आ गया। और अब पकोड़े बनाने की विधि शुरू करते हैं, उसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, तेल गर्म हो रहा है, हाथों में पानी लगा लें थोड़ा सा, और ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार ढीले ढीले से पकोड़े ये छूट गए, हेलो जी, बस हो गया जी, अब पकोड़े जो हैं बिल्कुल हल्के हवा जैसे, मतलब हवा से बातें करने वाले हैं, इनको निकाल लेता हूँ, जो जो हाफ फ्राई हो गए हैं, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया ब्राउन हो गए हैं, उनको मैं निकाल लेता हूँ, वाह जी वाह, तेल गरम होने का इंतज़ार करते हैं, ये अब मैं गर्मा गर्म तेल में वापस डाल लेते हैं, ये लीजिए, ताकि फुल फ्राई हो जाएं, जो बढ़िया ब्राउन हो गए उनको निकाल लेते हैं, ये लीजिए, ये बन गया बढ़िया पकोड़ों का सबसे बढ़िया दोस्त चाट मसाला, वो अगर ऊपर से डल जाए क्या बात है, और पकोड़ा का एक और दोस्त है जिसका नाम है केचप, ये बन गए ओट्स और पालक के पकोड़े, ये बढ़िया आपके लिए, आप बना के खाएं और मज़े से परिवार को खिलाएं, देखिए सब मज़े से खाएंगे, टेस्ट है तो हेल्थ है, और उसके बाद जो वेल्थ है ना वो ग्राउंड पे इंतज़ार कर रही है, भागिएगा प्लीज़ हैं, और मुझे मत बोलिएगा कि हरपाल जी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं हमें, वो किए जा रहे हो वो, हाँ और नॉट माई फॉल्ट है,
You need to run and I am going to run now. ओट्स के पकोड़े बनाने के लिए दोनों प्रकार के ओट्स एक बोल में डालें, उसमें 3 बड़े चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक कढ़ाई में आवश्यकता अनुसार तेल गरम करें। पालक, अदरक, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। आमचूर, हल्दी पाउडर, बेसन, प्याज, सोडा, आधा कप पानी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अपनी हथेलियों को गीला करें, थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर गरम तेल में डालकर तले जब तक वे करारे और भूरे हो जाए। तेल में से निकालकर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें, उन पर थोड़ा चाट मसाला छिड़के सर्विंग प्लेट पर रखें और गर्मा गर्म परोसे। आज का एपिसोड छोटी छोटी बातों पे हमने ध्यान रखा, बिल्कुल जैसे रोटी से कैसे इंटरेस्टिंग चीज बना सकते हैं, ओट से कैसे इंटरेस्टिंग पकौड़े बन सकते हैं, सिंपल चीजें, केले से कैसे कढ़ाई केला बन सकता है, जेंट्स के लिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन है, घर पे आप सभी बना सकते हैं। मैं बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ ताकि घर पे आपको मिले मज़ा। आप भी बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। लाइफ में छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको अमल करें। और सभी को ये मैं ज़रूर कहता हूँ, लेट्स जॉग, आई एम गोइंग जॉगिंग, मिलूंगा अगले हफ्ते। न्यू ईयर का सीजन था और मेरे शेफ थे, नाइट शिफ्ट हम कर रहे थे, सुबह शेफ फिर आ गए। हेलो अरपाल, गुड मॉर्निंग। सेड गुड मॉर्निंग शेफ, व्हाट हैपेंड? All gas out. I said, chef, no gas left. इतनी घबराई क्यों है? अरे घबराना नहीं चाहिए। ओ जी नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक।